रोहित शर्मा ने आज साफ तौर पर ये कहा है कि जो टीम अडेप्ट कर जाएगी कंडीशंस को बहुत बेहतर, उनको यहां पर जीत मिलने वाली है। और जो सबसे बड़ी बात, एक तरीके से उन्होंने डांटते हुए कहा कि भाई हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि हमने आईसीसी ट्रॉफीज में क्या किया है। एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि वी नो व्हाट वी हैव डिड, बट यू डोंट ऑलवेज हैव टू रिमाइंड अस। Yes. हमें बार बार याद मत दिलाओ कि हमारा रिकॉर्ड क्या रहा है। उन्होंने कहा साफ तौर पर ये सारी चीजें। Exactly, उन्होंने क्या कोट करा है मैं बता देता हूं भाइयों को कि सारे खिलाड़ियों को पता है कि हमने कुछ सालों से क्या जीता और क्या नहीं जीता है। हमारा सारा फोकस इस मैच को लेकर है, पहले क्या हुआ नहीं हुआ उसको सोचना बेकार है। तो मतलब वही वाली चीज है कि भाई हाँ बहुत हो गया, अब हम जवाब अब फील्ड पे ही देने वाली बारी होगी ना। अब आप जितने भी सवाल पूछो, हम सबको पता है क्या नहीं हुआ है और क्या हुआ है, क्या सक्सेस टीम इंडिया ने अचीव करी है। लेकिन भैया दो स्पिनर्स को लेकर जो करोड़ों इंडियन फैंस जानना चाहते हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया के जहन में भी एक आप एक कह सकते हैं डाउट होगा कि भाई किस कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया उतरेगी। उस पर जो रोहित शर्मा ने कहा उस पर आप क्या बोलोगे? पिच लगातार बदल रही है, कल पिच कैसे होगी? मैं ये नहीं कहूंगा कि अश्विन नहीं खेल रहे हैं, उन्होंने इस चीज की पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट नहीं करा है क्योंकि विकेट्स के अलग अलग विजुअल्स आ रहे हैं। जो कल जो विजुअल्स आए, ग्रीन टॉप नजर आ रहा है जिसको लेकर आप टेम्प्ट हो सकते हैं एक एडिशनल सीमर को लेकर, लेकिन उन्होंने अश्विन की पॉसिबिलिटी को नहीं हटाया भाई। अश्विन पर ऐसा नहीं कहा कि इज नॉट प्लेइंग, कल की कंडीशन को देखेंगे कि पिच कैसी है तब तय करेंगे कि जी कौन खेलेगा, क्या कॉम्बिनेशन होगा। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आकाश देखो सारी की सारी बात इस चीज को लेकर है कि आपके जो बोलर्स हैं, अश्विन काफी बैटिंग भी कर रहे हैं बोलिंग भी कर रहे हैं, आप अभी कीपर को लेकर के भी एक क्लियर क्लैरिटी में नहीं हो क्योंकि कल भी दोनों ही विकेट कीपिंग कर रहे थे, दोनों ने विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस की है। आपको मोहम्मद सिराज मोहम्मद शमी कन्फर्म लग रहे हैं, जयदेव उनादकट से जो है साइड पिचेस में बहुत ज्यादा गेंदबाजी कराई जा रही थी वो और मुकेश काफी ज्यादा गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शायद जयदेव उनादकट ना खेले। उमेश यादव को अभी तक आपने पिछले दो सेशंस में, आज भी टीम इंडिया प्रैक्टिस करने आ गई है, कल भी ऑप्शनल था आज भी ऑप्शनल है प्रैक्टिस आपकी, लेकिन उन सारी चीजों के बीच आपको यह देखना है कि उमेश यादव को फाइनली क्या आज अगर वो आए हैं सबसे पहली बात, क्योंकि कल तो वो आए ही नहीं थे, और उस नहीं आने के चक्कर में आपको क्लैरिटी, और पहले दिन जब वो प्रैक्टिस में आए ओवल में तो उन्होंने सिर्फ बैटिंग करी उन्होंने बोलिंग नहीं की, तो अभी आपको उन पर एक फाइनल कॉल लेना है कि वो सारी की सारी चीजें आपको कैसी देखने को मिलेंगी। अभी मेरे ख्याल से टीम शायद इस कॉम्बिनेशन पर देख रही है कि उमेश यादव हमारी एक पिक होंगे, एक पिक हमारी होंगे मोहम्मद सिराज और एक होंगे मोहम्मद शमी। शार्दुल ठाकुर ने खूब बैटिंग भी की है खूब बोलिंग भी की है, तो शार्दुल ठाकुर कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं अगर यहां पर ऋषभ पंत होते केएस भरत की जगह पर तो शायद आप अश्विन के साथ चले जाते, एक ऑप्शन और ले लेते आप, लेकिन जैसा अभी हमें साफ तौर पर समझ आ रहा है कि भाई यहां पर अगर विकेट ऐसा ही रहता है, उन्होंने ये तो कह दिया कि मैं एलिमिनेट नहीं कर रहा हूं अश्विन को खेलने की पॉसिबिलिटी, लेकिन उन्होंने एक तरीके से ये भी कहा है कि मौसम यहां पर जो है वो लगातार बदल रहा है, यानी इस अनप्रेडिक्टेबल मौसम में। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मेरे ख्याल से एक स्टेटमेंट आप देखिए, उन्होंने ये भी कहा रोहित शर्मा ने कि यहां पर मौसम अगले चार पांच दिन कोई बहुत ज्यादा बदलने वाला नहीं है, हमें पता है कि अगले चार पांच दिन में स्थिति क्या रहेगी अगर सिर्फ मौसम के लिहाज से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इंडियन टीम ने देखा होगा भाई, क्योंकि इंग्लैंड का वेदर स्पॉट ऑन रहता है एक तो उसकी प्रेडिक्शन, और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है कि अगर 10 तारीख का भी मैं आज देख रहा था 10 तारीख का जो बारिश के चांसेस है वो और कम आ गए हैं, वो अब मेरे ख्याल से सिंगल डिजिट्स में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अब बड़ी परेशानी नहीं है। और थोड़ी देर में संदीपन सर भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो वो और क्लैरिटी के साथ बता देंगे कि क्या हुआ।